हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। बबीता के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू दातुन और नीम के बेनिफिट्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ। सो हेयर इट इज़। नीम किस तरीके से हेल्प करता है आपके वेट लॉस में, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करने के लिए और ब्राइटन एकदम ग्लो देने के लिए। मेरी जो पिक्चर्स हैं कुछ बहुत ही पुरानी हैं जो बहुत सारी एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स पे डली हुई हैं, मैं बहुत बार डिलीट कराती हूँ, विच इज़ लाइक दिस एंड दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। मेरा जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन था वो बहुत 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 ज़्यादा काफ़ी शेड डार्कर था एंड ये पूरा का पूरा ठीक हुआ है बहुत सारी आयुर्वेदिक रेमेडीज़ करके। बहुत सारी ड्रिंक्स ऐसी मैंने रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड की थी। आप सबको मेरा हिस्ट्री पता है कि मैं एक मेजर पीसीओडी पेशेंट रही हूँ। मेजर, जब मेरा मेजर पीसीओडी था तब मेरा पूरा स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो था वो बहुत ही ज़्यादा डार्क था, फुल विद एक्ने, मेजर हेयर लॉस और मुंह से बहुत अजीब तरीके की स्मेल आना एंड आपके बॉडी से बहुत ही बुरी तरीके की स्मेल आना, गट हेल्थ बिल्कुल ज़ीरो, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो, मेटाबॉलिक रेट फुली ज़ीरो। सो बहुत सारी आयुर्वेदिक ऐसे प्लांट्स हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे पास नेचर ने चीज़ें दी हैं जिसकी हेल्प से मेरी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है और वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ और मैं अपने पर्सनली मेंबर्स को भी देती हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं कि नीम, नीम में ऐसा क्या है और वो क्या क्या बेनिफिट्स करता है और कौन कौन से लोग इसको ले सकते हैं और क्या है। नीम कितने रुपये में मिलता है? ज़ीरो। हर एक गली में दो नीम के पेड़ दिखते हैं, मेरी गली में 5-6 नीम के पेड़ हैं। हर एक जो आपकी सोसाइटी है, आपकी कॉलोनी है, आपका सेक्टर है, उसमें कहीं पे भी एक पार्क होगा, वहाँ पे आपको वेराइटीज़ ऑफ नीम के पेड़ मिलेंगे, एन नंबर ऑफ नीम के पेड़ मिलेंगे। पॉइंट इज कि नीम के पेड़ के पत्ते, जो नीम का हमारा पत्ता होता है, जो उसकी स्टिक होती है विच इज़ दातुन, ये किस तरीके से आपको हेल्प करता है और कैसे हेल्प करता है। नीम के अंदर होती है एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत ही हाई क्वांटिटी में। अगर आप 5-6 नीम के पत्ते डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो या इसका काढ़ा बना के पीते हो, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर वन, आपकी गट हेल्थ, आपके स्टमक को बहुत अच्छा क्लियर करता है, क्लीन करता है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके इंटेस्टाइन में कोई भी बैड बैक्टीरिया उसको फ्लश ऑफ करने में काम आता है। जिन जिन लोगों को मेजर कॉन्स्टिपेशन, IBS या फिर फिशर का प्रॉब्लम होता है, कोई रेमेडी काम नहीं कर रही होती, अगर आप 5-6 नीम के पत्ते डेली बेसिस पे खाते हो सुबह उठ के खाली पेट, यू विल सी ह्यूज चेंजेस। कई कई लोगों का तो पाइल्स का ऑपरेशन तक टला है सिर्फ और सिर्फ नीम के पत्ते और कड़ी पत्ता को खाने से। सेकेंड पॉइंट आता है जिन जिन लोगों को PCOD का मेजर इश्यूज़ है, जिनकी स्किन कलर एक्चुअली में इतनी डार्क है नहीं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द PCOD आपकी पूरी स्किन की ऐसी तैसी हो चुकी है, एक्ने है, पिगमेंटेशन है, डिसकलरेशन है, ये एरिया डार्क है, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है, मत्था आपका बिल्कुल वाइट है, सो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। अगर आप नीम का पत्ता डेली बेसिस पे लेते हो, पहली चीज़ आपका इससे शुगर लेवल कंट्रोल होगा, आपका जितना भी इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोग हैं उनका शुगर बैलेंस होगा बॉडी के अंदर, आपका फ्लश ऑफ होना अच्छे से स्टार्ट होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपका कॉन्स्टिपेशन क्लियर होगा, आपका वेट लॉस प्रमोट करेगा। थर्डली, स्लोली एंड स्टेडली ये क्या करेगा, आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा और आपके पीरियड्स जल्दी लाने में आपको हेल्प करेगा। तो PCOD वाले लोग मस्ट हैव दिस नीम का पत्ता, 5-10 नीम का पत्ता एवरी डे इन द मॉर्निंग। थर्डली, जिन जिन लोगों को मेजर शुगर का प्रॉब्लम है, आप शुगर बहुत ज़्यादा है, जो लोग इंसुलिन पे हैं, जो लोग दवाइयों पे हैं, मेटफॉर्मिन या फिर जूनामिट करके गोलियां आती हैं या ट्रेजेंडा गोलियों पे हैं या फिर ह्यूमन एप्ट्रा इंसुलिन पे है, लैंटस का जिनको टीका लगता है, गाइस अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, सेफ़ है, मेरी मदर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, मैं अपनी मम्मा को नीम का पत्ता खिलाती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, मैं उनको भी नीम का पत्ता सजेस्ट करती हूँ। जिन जिन लोगों का शुगर बहुत सारी दवाइयों की वजह से बढ़ा रहता है, आप उनको भी ये दीजिए। आपके घर पर कोई भी शुगर का पेशेंट है, आप उनको ये नीम का पत्ता दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब जब हम नीम का पत्ता लेंगे, मेक श्योर यू हैव टू चेक योर शुगर लेवल कंटिन्यूसली, बिकॉज शुगर लेवल ड्रॉप करेगा, ठीक है, आपकी इंसुलिन की रेटिंग कम होगी। एक सिंपल सी चीज़, जब भी आप नीम का पत्ता ले रहे हो और दातुन कर रहे हो, आपको आपका ग्लूकोमीटर पास रखना है सो दैट यू कैन चेक योर शुगर लेवल रेगुलर बेसिस पे और उसके हिसाब से आप अपनी इंसुलिन के डोजेस या फिर अपनी दवाइयों के डोजेस को कम कर सको, क्योंकि इससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। समटाइम्स डिप करता है जो भी शुगर के पेशेंट है उन लोगों का, क्योंकि आपने डोज बहुत हैवी ले रखी होगी, नीम का पत्ता इकट्ठा ले लिया तो शुगर का लेवल डिप कर गया, विच इज़ डेंजरस। सो हमें इस स्टेज पर नहीं जाना, आप कंटिन्यूसली अपना शुगर का लेवल चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली आप अपना इंसुलिन का डोज जो है वो सेट करेंगे जो आपकी शुगर की रेटिंग आएगी।
ये नीम का पत्ता शुगर वाले लोगों के लिए शुगर जो है जड़ से ख़त्म करता है, ये मैं बेट लगा के बोल सकती हूँ, क्योंकि नीम के पत्ते से मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका शुगर जो है 5-5 साल का शुगर को हमने रिवर्स करा है, 6 महीने में प्री डायबिटिक, 7-8 महीने में टोटली नॉन डायबिटिक, और आज 2-3 साल हो गए हैं वो लोग नॉन डायबिटिक ज़िंदगी जी रहे हैं और फ्रूट्स खा रहे हैं अच्छा खासा विद दी हेल्प ऑफ नीम पत्ता ओनली। सो मेक श्योर अगर आपके घर पे कोई भी शुगर वाला पेशेंट है, मस्ट हैव नीम का पत्ता। नेक्स्ट सिचुएशन पे बात करते हैं ना, जिन जिन लोगों को ना यूरिन में झाग आती है और यूरिन में बहुत ज़्यादा हैवी स्मेल आती है और यूरिन पास ही नहीं होता ढंग से XYZ रीजंस की वजह से, ट्राई नीम का पत्ता 4-5 एंड यू विल सी ह्यूज चेंजेस अपने यूरिनेशन में, स्वेलिंग खत्म कर देगा ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी की। जिन जिन लोगों को गम रिलेटेड इश्यूज है, दांतों में प्रॉब्लम रहती है, जिनके कीड़े लगे हुए हैं दांतों में और जिनके दांतों में पेन होता है, पेन हो रहा है तो पेन किलर खाओगे दांत का, चेकअप तो कराने जाओगे नहीं ना क्योंकि वो तो आलस आता है, तो ऐसी सिचुएशन में पेन किलर की जगह अगर आप नीम का पत्ता च्यू करते हो ना, इंस्टेंटली आपको रिलीफ मिलेगा, इंस्टेंटली रिलीफ। और हम यहाँ पे बात करते हैं कि नीम का पत्ता अब हम लेंगे कैसे, मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ किचन में और मैं बताती हूँ कि नीम का पत्ता एक्चुअली में लेना कैसे और इसका काढ़ा कैसे बनाना है और किस तरीके से आप इसको रेगुलर बेसिस पे ले सकते हो। ऑलराइट जी, सो ये जो टी है ये रेडी हो चुकी है, इसको बंद करेंगे, ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर जितना और फिर हम इसको स्ट्रेन करके पियेंगे। ऑलराइट जी, सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी नीम के पत्ते हम स्टोर कैसे करेंगे। ये नीम का पत्ता है, कल मैंने तोड़े थे और ये अभी कुछ कुछ गीले हैं, अच्छे से मैंने इन्हें गर्म पानी में धोया फिर ठंडे पानी में धोया और अब मैं इनको स्टोर करूँगी फ्रिज में कम से कम 1 वीक के लिए, एंड टू बी ऑनेस्ट 1 वीक तक ये बिल्कुल ताज़े दिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ताज़े। तो इनको अच्छे से मैंने साफ करना है लाइक दिस। ये किचन के टिश्यू पेपर्स आते हैं मार्केट में, आप ले सकते हो, नहीं तो रोटी सेकने वाला जो हमारा कपड़ा होता है आप उसकी हेल्प से भी इसको कर सकते हो यूज़। एक एक पत्ते का पूरा प्रॉपर पानी आपने हटाना है, अच्छे से टेक केयर करना है, इसको पंखे के नीचे रखेंगे, पूरा अच्छे से सुखाएंगे, फिर जाके हम इसको टिश्यू पेपर में लपेट कर ही फ्रिज में स्टोर करेंगे। ऐसा नहीं स्टोर करना कि गीले के गीले ही और थैली में बांध के रख दिए, ना ना ना, उस तरीके के स्टोर करने से बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं, ऑलरेडी कड़वे हैं और कड़वे हो जाते हैं, बदबू आती है और वो आपके स्टमक में इन्फेक्शन भी दे सकते हैं। वेलकम बैक गाइज, सो मैं बताती हूँ नीम का काढ़ा कब ले सकते हो। इसको आप डेली बेसिस पे ले सकते हो, यस, बट एवरी ऑल्टरनेट डे ले सकते हो, यस, वीक में ट्वाइस ले सकते हो, यस। बेस्ट टाइमिंग इज अर्ली मॉर्निंग खाली पेट या फिर रात को सोने से पहले। नेक्स्ट, नीम के पत्ते कब च्यू करने हैं। अगर आप काढ़ा लेने का मन नहीं है, आलस आ रहा है यार, कौन बॉइल करे, कौन उसको ठंडा करे और कौन उसको पिए, पीने में होता है, आप नीम का पत्ता च्यू करेंगे, 5-6 या 5-10 नीम का पत्ता आप च्यू करेंगे। खाली पेट इज द बेस्ट टाइम, च्यू करो, चबाओ, निगलो मत उसको, च्यू करेंगे और उसके ऊपर पानी पियेंगे, दैट्स ऑल, गर्म पानी पीना, गर्म पानी। नेक्स्ट पॉइंट इज आता है कि नीम का पत्ता मैम हम कैसे खाएंगे, इसको कैसे खाया जाता है, ऐसे सिली क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं और मैं उसको जवाब ऐसे ही देती हूँ, सिमिलरली जैसे तुम लोगों ने गुलाब जामुन पेस्ट्रियाँ ठोक के अपने मुंह में ठोक के खाया है ना, चबा चबा के मज़े लेके, एग्जैक्टली वैसे खाया जाता है, एग्जैक्टली। या तो दवाइयों पे आओ बेटा, या फिर तोन वाली ज़िंदगी जियो बेटा, या फिर आप बीमारियों वाली ज़िंदगी जियो, नहीं तो फिर जहाँ तुम लोग दम रखते हो ना इतना हैवी मीठा खाने का, वहाँ पर दम रखो इतना कड़वा खाने का, ताकि चीज़ों को बैलेंस करना जानो आप। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, गिव इट अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो एज मैनी एज यू कैन। फ्री की दवाई बताई है मैंने आपको, फ्री की एक दवाई जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करेगा, एंड येस लीव अ कमेंट किन किन लोगों को कितना बेनिफिट मिला और किन किन का स्किन कॉम्प्लेक्शन मेजरली ठीक हुआ है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाह रही जो डार्क स्किन वाले लोग हैं वो ऐसे हैं या गोरे वाली तो अच्छा ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर देयर आर सम चांसेस कि हम खुद को इम्प्रूव कर पाएँ, देन वाई नॉट, हम क्यों नहीं खुद के लिए स्टेप लें। सो खुद के लिए स्टेप लो, इसको कोई नहीं चुरा सकता आपसे, आपका स्टाइल कोई चुरा सकता है, आपके बैग का डिज़ाइन कोई चुरा सकता है, आपके कपड़ों का स्टाइल कोई चुरा सकता है, खुद के ऊपर काम करो, इम्प्रूवमेंट अपनी पर्सनैलिटी उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता जिस तरीके के आप एग्जैक्टली हो। सो रेगुलरली वर्क ऑन योर सेल्फ,
So yeah, that's all about this video guys. I'll see you soon in my next upcoming video. Till that time, take care, ji. Bye bye.